राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट आज उदयपुर, सिरोही व पाली जिलों में एक दिवसीय दौरे पर रहे। मंच से बोलते हुए सचिन ने सीएम वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। किसी भी मुख्यमंत्री को नहीं मिला, वो अगर चाहती केंद्र में सरकार बीजेपी की बन गई, वो अगर चाहती तो राजस्थान का चेहरा बदल सकती थी। हमारे इस प्रदेश में रहने वाले आदिवासी भाइयों का, दलितों का, महिलाओं का भविष्य बदलने में, वर्तमान बदलने में पूरा परिवर्तन ला सकती थी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो जनादेश मिला उसका ना सिर्फ अपमान हुआ लेकिन जनता के साथ विश्वासघात किया। लोकतंत्र में आप वादे कर मैं आज मन से खड़ा होकर कुछ बोलूं और कल जनता हमारी पार्टी को मौका दे और हमारे लोग उस काम को ना कर पाए तो जनता जवाब मांगेगी, हिसाब मांगेगी। वसुंधरा जी को गौरव यात्रा निकालने की किसी सुझाव दिया, उन्हें निकालनी चाहिए हिसाब यात्रा। हिसाब दें कि आपने 4.5-5 साल में किन लोगों का भला किया। सचिन पायलट वसुंधरा राजे से गौरव यात्रा के बदले हिसाब यात्रा मांग रहे हैं। SPNN न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।